बोर्ड एग्जामिनेशन को माइंड में रखते हुए हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस और सॉल्ट। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एसिड और बेस में डिफरेंस जानना चाहिए। एसिड और बेस में जब हम डिफरेंस को जान लेंगे तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले जानते हैं एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत हमें डीपली डिफरेंसेस तो नहीं जानने हैं, सिर्फ हमें एक बेसिक डिफरेंस जानना ज़रूरी है। एग्जाम में भी पूछा जाता है एसिड और बेस के बारे में। अगर आप ये डिफरेंस याद अगर कर लेते हो तो आपको एसिड और बेस का डेफिनेशन अगर आता है एग्जाम में तो आप आसानी से उसको लिख सकते हो। और इसी एसिड और बेस के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही पूरा का पूरा चैप्टर हमारा डिपेंडेंट है। तो चलिए फिर हम लोग समझते हैं एसिड और बेस क्या होता है। एसिड आर सावर इन टेस्ट, यानी कि एसिड जो होता है ये खट्टा होता है। बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस कड़वा होता है। एसिड टर्न द रेड लिटमस ब्लू लिटमस इनटू रेड, एंड बेस टर्न द आर चेंज द रेड लिटमस इनटू ब्लू। यानी कि जो हमारा एसिड होता है ये रेड लिटमस को इंडिकेट करता है, जबकि हमारा जो बेस होता है वो ब्लू लिटमस को इंडिकेट करता है। अब बात आती है कि क्या अगर हम लोग ब्लू लिटमस को डीप करते हैं एसिड में तो वो तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारा ब्लू लिटमस है उसको जब हम लोग बेस में डीप करते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ब्लू लिटमस को जब हम लोग एसिड में डीप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि जब रेड लिटमस को एसिड में डीप करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जो रेड लिटमस है वो एसिड के लिए ही बना है, यानी कि एसिड को इंडिकेट करने के लिए ही रेड कलर है और ब्लू कलर है हमारा बेस को इंडिकेट करने के लिए। इसलिए अगर हम रेड लिटमस को एसिड में डिप करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और जब हम लोग ब्लू लिटमस को बेस में डिप करेंगे तो वहाँ भी कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो एसिड होता है जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये एच प्लस आयन रिलीज करता है। इट रिलीज एच प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। जब आप बेस को डिजोल्व करते हो वाटर के अंदर तो ये OH- आयन रिलीज करता है। तो चलिए फिर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। एसिड के एग्जांपल्स हैं हमारे HCl, H2SO4, HNO3। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक एसिड की बात करें तो जो खाने वाली एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इसके बाद आपके टार्टरिक एसिड हो गए, इसके बाद आपके साइट्रिक एसिड हो गया, और उसके बाद लैक्टिक एसिड हो गया। ये सब जो एसिड हैं ये हमारे वीक एसिड में आते हैं। जबकि बेस की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसिड और बेस में डिफरेंसेस लिखेंगे, देन हम लोग सॉल्ट के बारे में समझेंगे, और उसके बाद आगे हमारे जो एनसीईआरटी में टॉपिक नीचे दिए हुए हैं उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं एसिड और बेस का। एसिड और बेस, नाउ राइट डाउन एसिड आर सावर इन टेस्ट। डायरेक्टली लिखते हैं सावर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट, इट टर्न्स आर चेंज, टर्न लिखते हैं ब्लू लिटमस इनटू रेड। Turns red litmus into blue, और इसके बाद it releases H plus ion in एक्वस मीडियम। रिलीज OH- माइनस आयन इन एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड।
H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द वीक एसिड ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एक्सेट्रा आर द मेनी एसिड विच आर वीक इन नेचर. नाउ लेट डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ बेस. वी विल नॉट गो इन अ वेरी डीप फॉर एसिड एंड बेस डिफरेंसेस. वी विल टॉक अबाउट ओनली द बेसिक डिफरेंस, नॉट गोइंग टू इनसाइड द डीप टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस. सो एग्जाम्पल ऑफ द बेस इज NaOH विच इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द बेस. फिर चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं देन डिस्कस करते हैं. जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सॉल्ट जो होता है ये एक न्यूट्रल होता है, यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. यदि एसिड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है और बेस का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, तो वहाँ भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन जो हमारा सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि वहाँ पे एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है और बेस का स्ट्रेंथ कम है. अगर बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है और एसिड का स्ट्रेंथ कम है तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा. चलिए पहले इसको इरेज करते हैं देन हम लोग डिस्कस करते हैं. एक चीज और आपको बता दूं कि जो हमारा मेटल होता है ये एक बेसिक नेचर का होता है, यानी जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है यानी जो नॉन मेटल होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है. तो जब पहले हम लोग लिख ही लेते हैं देन उसके बाद बात करते हैं. एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस, तो सॉल्ट और वाटर बनता है. ठीक है, तो जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा. और जैसा मैंने कहा कि अगर एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहा और बेसिक का स्ट्रेंथ कम होगा तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा. अगर बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहा और एसिड का स्ट्रेंथ कम रहा तो बनने वाला सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होगा. ठीक है, तो चलिए फिर हम बात कर रहे थे मेटैलिक ऑक्साइड और नॉन मेटैलिक ऑक्साइड के बारे में. जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा मेटल होता है वो बेसिक नेचर का होता है और जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है. हाँ भाई, वही मेटल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. तो चलिए फिर बात अब आई गई है मेटल और नॉन मेटल पे, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में है ये वाली टॉपिक, मेटैलिक ऑक्साइड और नॉन मेटैलिक ऑक्साइड. मेटैलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटैलिक ऑक्साइड, जैसा आपको बताया मैंने कि मेटैलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटैलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. मेटैलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दीज आर बेसिक एंड दीज आर एसिडिक. तो होगा क्या होगा, ये कि जो मेटल है यानी मेटैलिक ऑक्साइड, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन मेटैलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर. क्योंकि क्या होगा, जो हमारा मेटल है, एक मिनट आता हूँ. तो बता रहे थे कि जो मेटैलिक ऑक्साइड होता है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटैलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है. तो इसका मतलब ये होता है कि जब मेटैलिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, जबकि नॉन मेटैलिक ऑक्साइड के साथ अगर बेस रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक दो टॉपिक के बाद. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेटल कार्बोनेट के बारे में.
ये जो मेटल कार्बोनेट होता है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, वाटर एंड साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। चलिए फिर हम लोग इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरीके से जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक मेटल कार्बोनेट लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब इसको हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड में जैसे हमने HCl ले लिया, तो ये सबसे पहले तो सॉल्ट बनाएगा NaCl, देन H2O एंड आफ्टर ऑल कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी समझते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, यहाँ पे जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो ये भी वही सेम प्रोडक्ट बनाएगा जो हमारा मेटल कार्बोनेट ने बनाया है, यानी Cl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेटैलिक और नॉन मेटैलिक ऑक्साइड के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि जब मेटैलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और जब नॉन मेटैलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि मेटैलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटैलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक ऑक्साइड। जब मेटैलिक ऑक्साइड, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर हमें डीपली स्टडी करनी होगी, लेकिन अभी हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा हमें डीप में एग्जांपल लेके नहीं जाना है, हमें सिर्फ बेसिक जानना है कि मेटैलिक और नॉन मेटैलिक ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सिर्फ हमें उस पर फोकस रखना है, उसे ही सिर्फ हमें जानना है। मेटैलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, सो व्हेन इट विल रिएक्ट विद द एसिड देन इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। If non-metallic oxide are react with the base, it will also form salt and water. और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एसिड का स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो और बेस का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो तो बनने वाला सॉल्ट एसिडिक होता है, और जब बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और एसिड का स्ट्रेंथ कम हो तो बनने वाला सॉल्ट बेसिक नेचर का होता है।